आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज उदयपुर में हम लोग 3 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की नेताओं की बैठक लेंगे, उसके बाद में हम लोग बांसवाड़ा में एक बैठक करेंगे तैयारी को लेकर के, और फिर स्थान पे जाएंगे और फिर हम लोग रात को आकर के यहाँ और कल वापिस जाएंगे। लोगों में उत्साह है और क्योंकि एक दिवस ही ऐसा है और आदिवासियों का सम्मान, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से बहुत अपनापन का रिश्ता रहा है और वो और रिश्ता मजबूत होगा। और जो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कि आप इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके सम्मान में जो हमसे बन पड़ेगा वो हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूँ कि अब चुनावी बिदुल बच चुका है और हमारा चुनावी शंखनाद भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ विश्व आदिवासी दिवस को उनके साथ मना करके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, अच्छी फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, बजट को धरातल पे उतारा है, उससे लोगों में पूरी तरीके से जोश और उत्साह है कि राजस्थान में पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ पर जब सरकार बन रही है तो मैं समझता हूँ कि 2024 भी मोदी जी के लिए बहुत कठिन होगा और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार नहीं बन सके। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हमने किए हैं वो काम बोलते हैं। मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, 6-7 बार राजस्थान में आ गए, कभी कोई काम की बात नहीं की, कभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की, अपने जो पुराने वादे हैं वो उनके याद नहीं है या वो उन वादों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो टुकड़ों में बटी हुई है, ये तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं, आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साथ एक कमरे में ये लोग नहीं बैठ सकते। तो मैं समझता हूँ कि क्या वो करेंगे, अभी जो जन घेराव की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं या जो भी उनका अभियान चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान तो इन 25 सांसदों पे लागू होता है कि जिन्होंने इस 4.5 साल में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं किया, 9 साल से 25 में से 25 सांसद जा रहे हैं दोनों टर्म से और उसके बावजूद एक भी ऐसा काम वो गिना दें, नौकरियां देने की बात हो, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे दूसरे कोई सेक्टर हो, उनमें किसी में काम नहीं किया, इसलिए इनको नहीं सहेगा राजस्थान। इनके आपस में आक्रोश है और जनता का इनके प्रति आक्रोश है, न कि राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने जो अच्छे काम किए उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं। राहुल गांधी के दौरे के बाद में क्या आदिवासी अंचल का जो वोट है वो कांग्रेस अपनी ओर तब्दील कर? देखिए, आदिवासी अंचल का वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, कोई एक आधी बार जो भी कोई हमसे चूक हुई होगी, तो अब की बार आपने देखा होगा कि 10-11 दफा मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिस प्रकार का स्वागत हुआ है, जिस प्रकार की योजनाएं आई हैं, जो लाभ उनको मिला है, उससे आदिवासी और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उपेक्षा की है, ये साबित हो गया है कि आदिवासियों के हितैषी हो, चाहे प्रदेश के लोगों के हर वर्ग के हितैषी हो, वो कांग्रेस की सरकार है, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी का घेराव भी है आज, क्या वो आपस में ही कर रहे हैं एक दूसरे का घेराव कि वसुंधरा जी आगे नहीं आए, राठौड़ साहब नहीं आए, गजेंद्र सिंह जी नहीं आए, ओम बिरला जी नहीं आए, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री के दावेदार बने, ये आपस में इनके आक्रोश है, जनता के राजस्थान सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है, केंद्र की सरकार के प्रति और इन बीजेपी के जो लोग यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए उनके प्रति आक्रोश है।